यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष पर आधारित है तथा केवल सूचना के लिए दी जा रही है। टीवी 9 डिजिटल इसकी पुष्टि नहीं करता है। यहाँ बताए गए किसी भी उपाय को करने से पहले संबंधित विषय के एक्सपर्ट से निजी तौर पर सलाह अवश्य लें। नमस्कार, एस्ट्रो साइंस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अंजलि और मेरे साथ हैं एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जीडी वशिष्ठ जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। खुश रहें दाता, माता रानी सुखी रखे। अपने घर की तरह अपनी गाड़ी खरीदने का सपना भी ज्यादातर लोगों को होता है। वैसे भी गाड़ी अब जीवन की बेसिक जरूरतों में शामिल हो चुकी है। बिना गाड़ी के तेज रफ्तार जिंदगी से कदम मिलाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में ज्योतिष के जरिए जान सकते हैं कि जातक किस वाहन का मालिक बन सकता है। दरअसल ग्रहों का संबंध वाहनों से भी होता है। कुंडली में वाहन संबंधी ये ग्रह जिस जगह होते हैं उससे पता चल जाता है कि व्यक्ति किस तरह की गाड़ी का मालिक बनेगा। इसके साथ आपकी राशि के पूरे दिन का हाल भी हम गुरुदेव से जानेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल गुरुदेव, सबसे पहले बताइए कि कुंडली में कौन सा भाव वाहन सुख दिलाता है। अच्छा सवाल है, लोगों को भी आइए ज्ञान प्राप्त होगा। जन्म कुंडली का चौथा घर लग्जरी वाहन के सुख के लिए होता है और जन्म कुंडली का दूसरा घर आजीविका कमाने वाले वाहन से संबंधित होता है और टूर एंड ट्रेवल्स का काम या लंबी लंबी यात्राएं सवारियों को पहुंचाना, ये जन्म कुंडली का बारहवां घर वाहन के सुख से नवाजता है। तो जन्म कुंडली का दूसरा, चौथा और बारहवां घर ये ऐसे घर हैं जो अलग अलग तरह के वाहन देने का काम करते हैं और इंसान को समृद्ध बनाते हैं जी। तो हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं तीन राशियों के बारे में। ये तीन राशियां हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि। तो बात करते हैं मेष राशि वालों के। आज अगर आप जल्दबाजी से और गुस्से से अगर आप बचते हैं तो आपका दिन हर तरह से शुभ होने वाला है, चाहे लिखाई पढ़ाई हो, चाहे किसी तरह का कोई कार्य हो, और दुनियादारी के अंदर किसी भी प्रकार के कार्य के लिए आपका दिन शुभ है। लेकिन गुस्सा नहीं आने देना और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, इसीलिए ठहराव से आज काम करें और बड़ों का आशीर्वाद लेकर के तब काम पे निकलें। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों ने अगर आलस, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और नेगेटिविटी के कारण अपना दिन नहीं खराब किया और अपने ही कामों के प्रति नेगेटिविटी नहीं रखी तो सारा दिन शुभ है और अच्छा है। बस घर से निकलिए, कामों को ठान लीजिए, आज का दिन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। केसर का तिलक नाभि जुबान माथे पर लगा के भोलेनाथ का नाम लेकर के तब कार्य पर निकले। मिथुन राशि, आज अजीब सा डर मन में घर करेगा जो स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालेगा। उस पर अनचाहे मेहमान आ गए तो खर्चा भी बढ़ेगा और खर्चे की चिंता भी होगी। तो ये सारी चीज़ों का मिक्स मैच आज आपके दिन को ख़राब करने वाला है। तो आज सुबह सवेरे से ही ये सोचना है कि प्रभु तू जो करेगा वो अच्छा करेगा और जो होना है आज वो होकर के रहेगा। मैं तो कल परसों में जो तुम्हारी कृपा प्राप्त होगी मैं तो वो ले लूँगा। तो सुबह सवेरे नहा धो करके धूप दीप जला करके परमात्मा का नाम लेकर के अपने आत्मविश्वास को बढ़ा करके चले। गुरुदेव, ऐसा देखा गया है कि नई गाड़ी तो व्यक्ति खरीद लेता है लेकिन गाड़ी में कोई ना कोई दिक्कत हमेशा रहती है, जैसे कभी चलते चलते गाड़ी रुक जाती है या फिर पंचर ज़्यादातर होते रहती है या कोई ना कोई खराबी आ जाती है, ऐसे में क्या उपाय करना चाहिए? एक बार एक इंसान मेरे पास आए नई गाड़ी लेके, तो मेरे को कहते गुरु जी आप चाबी लीजिए, एक्स्ट्रा उसको स्टार्ट कर दीजिए, कहते आपका आशीर्वाद लेके मैं स्टार्ट करूँगा। मैं बेटा ये तो ठीक है, मैं तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और केतु का मेल है और चौथे ही घर में, तो गाड़ी पुरानी ले लेता क्योंकि ठीक बार बार करानी पड़ेगी। कहते ये तो नहीं है, पहली से दुखी होके वो बेच के नहीं ली है ताकि ये ख़राब ना हो। मैं बेटा गाड़ी नहीं खराब होती, जब होता है नसीब खराब होता है। तो जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा के साथ जब भी कोई पापी ग्रह, चाहे शनि, चाहे राहु, चाहे केतु, इनमें से कोई भी बैठेगा तो गाड़ी के इंजन में, उसके चलने में, उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस कुछ ना कुछ होता ही रहेगा और उसको बार बार रिपेयर ही करना पड़ेगा। तो ऐसे अवस्था के अंदर चंद्रमा को प्रबल करना चाहिए और पापी ग्रहों के अगर आप दान करते रहते हैं
तो आपकी गाड़ी सर्विस सेंटर में बार बार जाने से बच जाएगी। ठीक है, बताइए, ये भी जन्म कुंडली का ही कमाल है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में जो लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या बड़ के पेड़ पर पानी में थोड़ा सा दूध और चार दाने चीनी के मिला करके बरगद के पेड़ पर चढ़ा करके गीली मिट्टी का तिलक लगाते हैं, उनका चंद्रमा प्रबल होने लगता है। और जब चंद्रमा प्रबल होता है तो भाग में अच्छी से अच्छी गाड़ी के सुख अपने आप बढ़ने लगते हैं। और ऐसे लोगों को हर शनिवार को खट्टी मीठी चीज़ें बांटनी चाहिए, या फिर उनको सरसों के तेल, उड़द साबुत, काले चने, सरसों का तेल, इनमें से कोई भी चीज़ ये दान देना चाहिए बजाय मंदिर में देने के। ये अगर किसी गरीब को दान दे तो वो ज़्यादा उत्तम असर करेगा। तो अगर गाड़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है, बार बार रिपेयरिंग मांग रही है, तो ये दो उपाय अगर आप करते हैं तो आपकी गाड़ी की सर्विस के ऊपर ज़्यादा पैसे खर्च होने बंद होने वाले हैं। तो ज़िंदगी की रफ्तार पर ब्रेक ना लगे इसके लिए जो गाड़ी आप यूज़ कर रहे हैं वो सही होना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए गुरुदेव ने उससे जुड़े उपाय बताए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, जानते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन। कर्क राशि, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, आलस, स्वास्थ्य में छोटी छोटी दिक्कत, इस चीज़ का दिन चल रहा है। और परिवार के अंदर किसी और का भी स्वास्थ्य खराब होना ये भी पॉसिबल है। तो नेगेटिविटी हावी ना होने दे, क्योंकि ये जो भी ऐसा दिन आता है बेटा, उसके अंदर खास तौर पे अपने मन की शक्ति के साथ लड़ना होता है। तो सुबह सवेरे अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ले, परमात्मा का आशीर्वाद ले, और परमात्मा को कहे कि वो आज आपका दिन शुभ करे। सिंह राशि वालों के स्वास्थ्य में छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, बाकी हर तरह से दिन शुभ है। चाहे आपने मनोरंजन करना हो, किसी यात्राओं पर जाना हो, किसी भी काम को घूम फिर करके करना हो, और लेकिन सफलता की गारंटी तो पक्की। कहने का मतलब ये है कि सफल आज का पूरा दिन है आपका, बस लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन करके निकलिए, दिन शुभ होगा। कन्या राशि वाले वो लोग जो अपने पुत्र के साथ, भतीजे भतीजी यानी कि रिश्तेदारी में जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ मिलकर के अगर कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन शुभ है। कोई भी नए काम का प्लान कर रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसके लिए भी दिन शुभ है। और किसी के साथ में भी मिलकर के कोई असंभव काम करने की अगर आज सोच ली तो उसमें भी सफलता का ही परचम लिखा हुआ है। तो सुबह सवेरे थोड़े से फूल मंदिर में दे, हो सके तो कन्याओं को कुछ मीठा दे के दिन की शुरुआत करें। गुरुदेव, हमने देखा है कि दौड़ भाग और रफ्तार भरी जिंदगी में कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, और एक्सीडेंट्स ऐसे अनफॉर्चुनेट होते हैं कि कई लोगों की स्पॉट डेथ तक हो जाती है। हम बात कर रहे हैं कि वाहन दोष भी हो सकता है, उसको दूर करने के उपाय पर चर्चा करते हैं। गाड़ी अगर बार बार एक्सीडेंट करती है या ऐसा कोई ना कोई हादसा होता रहता है, इससे बचने के लिए क्या कोई खास उपाय है? आज अगर तुमने बेटा ये बात की है तो मैं जन्म कुंडली के अंदर जो सबसे घातक योग होता है मैं उसकी चर्चा भी साथ में जरूर करूँगा। जन्म कुंडली के अंदर सबसे घातक जो योग है, आप देखते हैं कि लोग तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, बस की बस खाई में, बिल्कुल परिवार के साथ जा रहे हैं, इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ कि परिवार खत्म हो गया, समझे। इस तरह के आए दिन कोई ना कोई हादसे हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं, टीवी पे। और गुरुदेव, ऐसी गाड़ियां बीएमडब्ल्यू से लेकर मर्सिडीज तक, जो कि कहा जाता है कि सबसे बेस्ट गाड़ियों में, उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं और लोग बच नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे जो जिम्मेवार हैं वो है चंद्र, मंगल, राहु, शुक्र, केतु, जिनकी भी जन्म कुंडली के अंदर ये पांच ग्रह आपस में जुड़े हुए होते हैं। लाल किताब क्या कहती है, शुक्र और केतु अगर छठे घर में हो, चंद्र, मंगल, राहु अगर बारहवें घर के अंदर हो, परिवार सहित लेकर के डूबेगा। और बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते होंगे कि भाई जहाज क्रैश हो गया, सारे मर गए, क्या सबकी कुंडली में एक्सीडेंट का योग था? नहीं, इसके अंदर कोई एक शख्स होता है जिसकी कुंडली में ये पांच ग्रहों का कॉम्बिनेशन बना हुआ होता है, और परमात्मा ने ये पता नहीं कैसी विनम्रता लिखी हुई है कि ये पूरे जहाज को, पूरे ग्रुप को लेकर के मरेगा, ये ऐसा नसीब में लिखा होता है। तो बाकी तो बेचारे खाम खाई में आटे में घुन की तरह पिस जाते हैं जब भी ये होगा। और ऐसी अवस्था को जाँच करके जन्म कुंडली के अंदर तब चलना चाहिए। अपनी कुंडली दिखा करके ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि कहीं इन पांच ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में तो नहीं बन रहा, और अगर बन रहा हो
तो उपाय क्या करने हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे एक्सीडेंट से पूर्णतः बचाव रहता है। तो करना क्या है, 27 दिन लगातार दूध में शहद मिलाकर के मंदिर के अंदर चढ़ाएं और उसके बाद में हर मंगलवार को दूध में शहद मिलाकर के चढ़ाना और थोड़े से पतासे मंदिर के अंदर चढ़ाना इस भयानक एक्सीडेंट से बचा करके रखता है। तो जो भी ये जो मंदिरों के अंदर पतासे और दूध ये अर्पित करने का जो विधान चला है ये संस्कार बनाए गए, ये संस्कार सही मायने में साइंस है और ग्रहों को समझते हुए ये बनाया गया। और आप ये देखते होंगे कि परमात्मा का झंडा लेकर के चलते हैं और पूरा सफ़र करके एक खास मंदिर तक पहुँचते हैं और जाकर के मंदिर की छत के ऊपर आप झंडा लगाते हैं। तो ये रियलिटी में केतु का ही उपाय है कि लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला अगर आप मंदिर की छत पे लगाते रहते हैं यानी कि केतु को उसके शुभ घर के अंदर पहुंचाते रहते हैं तो भयानक एक्सीडेंट का योग जिंदगी में कभी नहीं बनता। तो ये दो उपाय करते रहिए और सदा एक्सीडेंट से अपना बचाव रखिए। तो ये उपाय ज़रूर आप ध्यान में रखें और ज़रूर अपने अपने घरों में करें इसे उपयोग। देखिए तुला वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है जानते हैं हम गुरुदेव से। तुला राशि के वो लोग जो विदेश जाना चाहते हैं या विदेशियों के साथ में संबंध बनाना चाहते हैं, उनके साथ मिलकर के कोई काम करना चाहते हैं, उन सब के लिए दिन बहुत शुभ है। और इसके साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ मीठी मीठी बातें करके खुशियां मनाना चाहते हैं तो तुला राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। श्री राम की शरण में जाएं, माता रानी की शरण में जाएं, आशीर्वाद लें और खुशियों को कई गुना करें। वृश्चिक राशि के वो लोग जो पैसे के लेन देन को या कमाई को लेकर के कुछ भी करना चाहते हैं उन सब के लिए हर तरह से उत्तम है। और कोई खास काम करना चाहते हैं जिसमें आपका नाम आपके घर में आपके मोहल्ले में आपके शहर में रोशन हो उसके लिए बहुत खास दिन है और उसमें आपको हर तरह की सफलता प्राप्त होने वाली है। तो सुबह सवेरे माता रानी का ध्यान करें और कुछ फूल आप भी मंदिर में अर्पित करके जाएं, शुभ होगा दिन। धनु राशि के लोग आज अगर अपने कामकाज अपनी लिखाई पढ़ाई के लिए कुछ भी नया पढ़ करके सीख करके कुछ करना चाहते हैं उसके लिए बहुत शुभ दिन है। किसी भी लिखाई पढ़ाई किसी भी काम को सीखने की शुरुआत करना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और आज के दिन अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों का खास तौर पर आशीर्वाद लेते हैं तो ये आज के दिन को और प्रबल और अच्छा बनाएगा। गुरुदेव एक और सवाल है, चाहत तो होती है फोर व्हीलर की लेकिन कई बार टू व्हीलर से ही संतोष करना पड़ता है, फोर व्हीलर तक गाड़ी जो है पहुंच नहीं पाती है, तो क्या कुंडली में इसके लिए भी कोई ग्रह जिम्मेदार होता है? जब जन्म कुंडली के अंदर किसी भी ग्रह का ज़्यादा संबंध चौथे घर से ना बैठा हो या बहुत ही पापी ग्रह आपस में जुड़ करके चौथे घर के अंदर धमाल मचा रहे हों तो इंसान को फोर व्हीलर नसीब नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे अवस्था के अंदर शनिवार के दिन खट्टी मीठी चीज़ों को बांटना, खास तौर पे जिसमें इमली और तिल हो, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ गरीबों के अंदर वितरित करना, सरसों के तेल का दान करना, भैरव जी पे शराब चढ़ाना, ये एक ऐसे उपाय हैं जो फोर व्हीलर प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मिल ना रहा हो, पैसा जमा ही नहीं होता, अगर पैसा जमा नहीं हो रहा तो चौथे घर के अंदर ये पापी ग्रह इनकी धमाल चौकड़ी वहाँ पर बैठी हुई है, इनको हटाने का यही उपाय है। और इसके साथ में चंद्रमा को मजबूत करने का सबसे उत्तम इलाज क्या है, थोड़े सी चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ और साथ में दूध या चावल, ये लेकर के लगातार 43 दिन मंदिर में दे करके प्रणाम परमात्मा को करना है और आते हुए पंडित जी से पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेना, क्योंकि पाँव हाथ लगा करके आशीर्वाद लेने की जितनी भी प्रक्रिया है वो चंद्रमा को और मजबूत करती है। ठीक है, तो ये करने से आपके जीवन के अंदर फोर व्हीलर के सुख भी मिलेंगे, पैसा भी जमा होगा और घर के अंदर पूर्ण रूप से खुशहाली आएगी। क्या बात है, तो देखिए गुरुदेव का बताया हुआ ये उपाय जरूर आप करें, इच्छा जो है गाड़ी की फोर व्हीलर की वो जरूर पूरी होगी। आगे बढ़ते हैं, आखिर की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। ये राशियाँ हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि का अभी ठीक नहीं चल रहा तो वही आलस, जेलस, नेगेटिविटी ये दिन को ख़राब करेगी और ऐसी अवस्था के अंदर स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव आता है।
तो काले और नीले रंग से बचें और थोड़ा सा चंदन, हल्दी या कुछ मीठा मंदिर में अर्पित करके परमात्मा पे सब छोड़े उत्तम होगा। कुंभ राशि, आज आप प्रयास बहुत करेंगे, हर कार्य करेंगे, लेकिन सफलता मिलने में थोड़ा समय लगेगा, यानी कि आज के दिन सफलता थोड़ी कमज़ोर है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल प्रयास सफल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि गुस्सा करके अपना मूड खराब करना है। अगर आज सफलता ना भी प्राप्त हो, उसके बावजूद अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो आने वाले दिनों में कामयाबी आपके सामने होगी। सुबह सवेरे थोड़ा सा दूध, चावल, मिश्री मंदिर में अर्पित करें, अच्छा दिन बीतेगा। मीन राशि वालों के लिए हर तरह से दिन उत्तम है, चाहे खुशी मनाएं, चाहे काम करें, अपनों के साथ रहें या गैरों के साथ रहें, यानी जो भी करना चाहेंगे हर चीज़ में आपको सुख की अनुभूति होगी, मन प्रसन्न होगा। बस छोटी छोटी कन्याओं को सुबह सवेरे कुछ मीठा दे दें। गुरुदेव, क्या ऐसा भी कुछ होता है कि राशियों के अनुसार गाड़ी का रंग विशेष रूप से होता है? गाड़ी का रंग कौन सी राशि, किस राशि वालों के लिए शुभ रहती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, सिर्फ रंग ही नहीं, नंबर भी बहुत मायने रखता है। आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो ग्रह खराब है, और वो ग्रह जो भी खराब है, एक तो उसका रंग नहीं आप ले सकते, और दूसरा उस नंबर का टोटल, जैसे मैं कहूँ कि 2244 नंबर है, ठीक है, 2244, ठीक है, तो 4 4 8 और 2 और 2 4, यानी कि 4 और 8 12, यानी कि ये बना 3 नंबर, ठीक है, तो ये टोटल 3 नंबर बना। तो ऐसे अवस्था में अगर जन्म कुंडली के अंदर बृहस्पति अशुभ हो करके अशुभ घर के अंदर बैठे हुए हैं, तो भूल के भी टोटल 3 नंबर की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, और जो हल्के पीले रंग के ऊपर गाड़ी हो वो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, पीला रंग या हल्का पीला रंग। इसी प्रकार से सब ग्रहों को काउंट करना चाहिए, सबका अपना रंग भी है और उनके नंबर भी है। अगर इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, जो हम फ्री में प्रोवाइड करवाते हैं बेटा, एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस उसके अंदर डालें, तो वहाँ पर वाहन के सुख वाला कॉलम लक मीटर के अंदर जा कर के खोलिए, वहाँ साफ लिखा है कि कौन से रंग का वाहन आपको नहीं लेना है, और कौन से नंबर की गाड़ी आपको नहीं लेनी, और कौन सी लेनी है, और कौन से रंग की लेनी है। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एस्ट्रो साइंस ऐप में मिलेगी, आप लीजिए और लाभ उठाइए। तो अगर आप गाड़ी लेने की चाहत रख रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, तो एक बार एस्ट्रो साइंस ऐप पर अपने ग्रह के बारे में, अपनी राशि के बारे में ज़रूर आप जानें, और उस हिसाब से गाड़ी का रंग सेलेक्ट करने में और गाड़ी का नंबर लेने में आपको मदद मिलेगी, क्योंकि आगे ये गाड़ी आपके लिए शुभ भी होनी चाहिए, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आप जीवन में कामयाबी चाहते हैं, अपार धन और लाभ चाहते हैं, तो गुरुदेव के बताए हुए उपाय जरूर आप फॉलो करें। उम्मीद करते हैं आज का विषय आपको पसंद आया होगा। कल आपके सामने लेकर आएंगे एक और नया विषय जो आपके कॉम्प्लिकेटेड लाइफ को बना देगा आसान और खुशियों से भरपूर। अगर आप हमारे गुरुदेव से मिलना चाहते हैं या उनका अपॉइंटमेंट चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9999990522। आप भी सुख समृद्धि और खुशहाली चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके दुखों का अंत हो, तो इसके लिए आप एस्ट्रो साइंस ऐप डाउनलोड करना ना भूलें। फिलहाल समय हो गया आपसे इजाजत लेने का, आप बने रहे हमारे साथ और हमारे एस्ट्रो साइंटिस्ट गुरुदेव जी डी वशिष्ठ जी के साथ। देखना ना भूले एस्ट्रो साइंस रोजाना सुबह 8 बजे। नमस्कार।